हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह न्यूमेरिकल यूजी नेट जो कि अब एनटीए कहलाता है, उसमें जून 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देख लेते हैं क्वेश्चन। एन ओजोन एनालाइजर शोज 100 पीपीबी कंसेंट्रेशन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट द ऑब्जर्व कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 96, 196.2 to 148.92। दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन पहले भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। देख लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। पहले फॉर्मूला यूज करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बताऊं कि ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमारी कंडीशन होगी 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एसटीपी कंडीशन होगी, और इस कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमारा होता है 24.5 लीटर। ठीक है, तो हम दोस्तों, इस समय क्वेश्चन में दिया गया ओजोन, ओजोन ओजोन का हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 × 3, 16 हमारा होता है ऑक्सीजन का, तो ये हमारा 48 हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वह है कंसेंट्रेशन दैट शुड बी इन पीपीबी 24.45 × कंसेंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर इन माइक्रोग्राम मीटर क्यूब डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दोस्तों, हमें मॉलिक्यूलर वेट हमें निकाल लिया है, दैट इज 48। कंसेंट्रेशन हमें दी है पीपीबी में 100, और हमें मॉलिक्यूलर वेट हमें निकाल लिया, और ये हमें 24.45। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 196.31 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, आप डायरेक्ट इससे पीपीबी टू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कन्वर्जन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें, और आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके हमें बताएं।